हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ के सप्लीमेंट्री इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, उससे जो टेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ठीक है, सो उसका कंटेंट जो है वो देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, तो उसका कंटेंट जो है वो देखिए, क्या आप लोग के सिलेबस में है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। सो पहला तो अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी है, ठीक है, जेम्स हैरियट के द्वारा। उसके बाद सेकेंड थर्ड देख ही रहे हैं आप लोग सिलेबस अपना, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोगों को 10 जो है कहानियां पढ़नी है। तो पहला जो हम लोग का चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। क्या है जी? अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। अच्छा, ट्रायंफ मतलब क्या होता है? ट्रायंफ मतलब होता है जीत, विक्ट्री। तो किसकी जीत हो रही है यहाँ इस चैप्टर में? सर्जरी की जीत हो रही है ना? तो चलिए, इसका मतलब है ना, हम लोग को लग रहा है कि इसमें सर्जरी के रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देखते हैं ये इसमें क्या क्या है कि ट्रिकी है। एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, वो उसको बहुत लाड प्यार मिलता है, पैम्पर किया जाता है उसको और बहुत खिलाया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के थ्रू, मतलब उसकी मालकिन के थ्रू। उसकी मालकिन बहुत अमीर होती है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसर्न्स ए वेटरनरी सर्जन। उसकी जो बहुत ज्यादा वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है उस कुत्ते की, और उसकी जो मालकिन है वो एक वेटनेरियन सर्जन के पास जाती है, ठीक है, उनसे कंसल्ट करती है। वेटनेरियन समझते हैं ना, डॉक्टर्स और सर्जन्स क्या होते हैं, जो कि पशु चिकित्सा करते हैं वो वेटनेरियंस कहलाते हैं, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या उसने ऑपरेशन किया, किसने किया, क्या किया, आगे पढ़ेंगे। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हुआ, ये भी आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या आंसर ये चैप्टर हम लोगों को देगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर क्या है, रीड एंड फाइंड आउट। क्या है रीड एंड फाइंड आउट? व्हाई इज मिसेस फम्प्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो कह रहा है कि जो मिसेस फम्प्री हैं वो ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित हैं। फिर क्या है जी, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, ठीक है। तो उसने क्या किया उसको हेल्प करने के लिए, कुत्ते को हेल्प करने के लिए, ठीक है, और क्या वो सही थी। What does I refer to this in story? और I यहाँ किसको refer कर रहा है? ठीक है, James Herriot, जैसे कि आप मैंने आपको पहले ही बताया, इसके कौन है? लेखक है। तो आगे पढ़ते हैं। I was really worried about Tricky this time. मैं बहुत ही चिंतित हूँ Tricky को लेकर इस समय, इस बार। हाँ, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. And I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. Okay? His eyes, bloodshot and humid, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. Okay? So, isme kya hai na ki ye jo James Herriot jo ki ek doctor hai, veterinary doctor hai, wo keh rahe hain, I inko refer kar raha hai yahan pe, theek hai, कि मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से उतरा जब मैंने ट्रिकी को देखा स्ट्रीट पे, वो बहुत ही मोटा हो गया है, फूल गया है, ठीक है, सॉसेज की तरह लग रहा है पूरा, बहुत मोटा सा हो गया है और लगता है कि पूरा फील्ड है वो किसी चीज से, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है पैर है, लेग है एक कॉर्नर और एक कॉर्नर पे लेग है उसके, ठीक है, आंखें, ठीक है, उसका पूरा हर जगह धब्बा धब्बा ब्लड शॉट दिख रहा है मेरे को, उसका टंग जो है जॉस से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो मिसेस फम्प्री, और एक बात और बता दूं, जो इसका जो वर्ड्स है उसका आप लोग मीनिंग जरूर एक कॉपी में नोट कर लीजिए सारे का सारा, ठीक है, और आपका वोकैब मजबूत होगा इससे। हम स्टोरी को लेकर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तो अभी स्टोरी के फ्लो में उस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको सारा का सारा मीनिंग समझ में आते जाए, ठीक है। तो मिसेस फम्प्री, ठीक है, यहां से मिसेस फम्प्री,
ठीक है, हेस्टन टू एक्सप्लेन, ठीक है, ही वाज सो लिस्टलेस मिसेस मिस्टर हेरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, ठीक है, बहुत मतलब हिचकिचाती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करती है मिसेस पंपरी, उसकी जो मालकिन है कुत्ते के बारे में, उस वेटनेरियन डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है जो इसके राइटर है जेम्स हैरियट, जो इनका नाम है, लास्ट में बताऊंगा उनका नाम क्या है। सो वो कह रही है कि मुझे लग रहा था कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं कुत्ते के पास, ठीक है, और वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित हो गया है मैं कुत्ता जो, वो बोल रही है मिसेस पंपरी, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, सो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा उसे खिला रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, मॉल्ट दे रही है, कुछ मतलब लीवर ऑयल दे रही है, लीवर का तेल, और फिर हॉर्लिक्स का भी कटोरा, एक कटोरा हॉर्लिक्स में से रात में देती है सुलाने के लिए, और इतना देती है उसके बाद भी बोल रही है नथिंग मच दियर, ठीक है, बस इतना ही देती हूँ, तो बहुत ज्यादा दे रही है, आगे समझ में आएगा। And did you cut down on the sweet thing? What as I told you, अब जो narrator है इसके जो उसके veterinarian doctor है वो पूछते हैं कि क्या मैंने तो तुमको बोला था कि उसे मीठा ना खिलाओ, तो क्या उसको मीठा तुमने कम किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. हाँ, वो कहती है हाँ कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मैंने बंद किया था, मगर फिर मुझे बहुत ही वीक दिखने लगा, बहुत कमजोर लगने लगा, और इसलिए मुझे अपने उसको फिर से मेरे को देना पड़ा, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम्स को और चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है, ठीक है, और मैं उसे नहीं मना कर सकती, ठीक है, उसे ये नहीं दूं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे देना पड़ा, ठीक है। ये कौन कह रही है? भंपरी कह रही है। किसको कह रही है? वो जो वेटनरी डॉक्टर जो उससे पूछ रहा है उसके, किसके बारे में? उसके कुत्ते के बारे में, ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, ठीक है, ट्रिकी वाज फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। हाँ, वो उस कुत्ते को दोबारा छोटे कुत्ते को फिर से देखते हैं, वो बहुत ही परेशान होता है, कौन कुत्ता वह परेशान है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, लालच, ठीक है, एक्चुअली बात क्या था, ट्रिकी का एक ही गलती था, वो बहुत लालची हो गया था, वो लालची था, ठीक है, ऐसे भी कुत्ता होता, पशु को तो समझ में नहीं आता ना कितना खाना है नहीं खाना है, सो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और वो चूंकि लालची हो गया था कभी भी रिफ्यूज नहीं करता था, कुत्ते भी मना नहीं करता था खाने को, ही वुड टैकल इट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी दिन में रात में कभी भी खाना खा लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मैं तो ये सोचते रहता था वो चीजों को कि Mrs. Pumphrey क्या क्या नहीं बताई, बहुत कुछ वो बताती भी नहीं थी। Are you giving him plenty of exercise? Actually, veterinarian doctor को खुद से पूछना पड़ता था, वो खुद से नहीं बताती थी सब कुछ, तो वो सोच रहा है Are you giving him plenty of exercise? क्या उसे तुम एक्सरसाइज करवा रही हो उस कुत्ते को? किसने बोला? जो इसके नरेटर है, जो उसके वेटनरियन डॉक्टर सेमी है, तो उन्होंने पूछा, किससे पूछा? पंपरी से पूछा। किसके बारे में पूछा? तो कुत्ते के बारे में पूछा, ठीक है, कुत्ते का नाम टिक्की, याद रखिएगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे व्यायाम अच्छे से करा रहे हैं? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट कुड बीन द ग्रैंडनर हैड बीन डाउन विथ लंबेगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। सो ये कहने का मतलब इतना है इसका कि जो गार्डनर है ना, जैसा ग्रैंड हॉटकिन है, ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली क्या था कि वो कुत्ते को खिलाने के लिए रिंग फेंका जाता है ना, तो कह रही कि वो है नहीं, इसलिए काम नहीं हो पा रहा, इसलिए एक्सरसाइज में नहीं करा पा रही हूँ, ठीक है, ये इसका एक्सक्यूज था। देखिए, ये एक स्केच है दिया हुआ, फिगर देखिए, ये मिसेस पंपरी है, ये उनका डॉग है, और ये वेटनेरियन डॉक्टर है ना, देख लीजिए, है ना, ये कितना मोटा सब हो गया, देख रहे हैं, बहुत मोटा हो गया, ओवर ईटिंग से खा खा के ये मोटा हो गया है, ठीक है, इसका इसका जीप बाहर निकला हुआ है ना, यही सब चीज पहले बता रहा था। तो आई प्राउड टू साउंड सीवियर, यहां से पढ़िए,
I tried to sound severe. No, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. हाँ, अगर मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, डॉक्टर कहता है मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुमने इसे खाना कम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं कराया, तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, वो कुत्ता जो है वो बहुत बीमार हो जाएगा. यू मस्ट गार्डन योर हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. अब तुमको अपने दिल को बहुत मजबूत करना होगा और उसे जरूर ही डाइट कराइए आप, बहुत जरूरी है. अब क्या हुआ, अब मिसेस पंपरी रंग हिज हर हैंड्स. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट दिस सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. सोचिए, सोच लगाए हुए, वेरी डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. ठीक है, तो उसने मिसेस पंपरी ने अपना हाथ जरूर एकदम सहमति के लिए जताया और कहा कि जरूर मिस्टर हैरियट, मैं जरूर करूंगी. ठीक है, मैं जरूर जानती हूँ कि आप राइट है, ठीक है, आप सही हैं, मगर ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज्यादा. सोचिए, उसको उसके मालकिन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्यादा ओवर ईटिंग से वो कुत्ते का जो शरीर है वो खराब होते जा रहा है, वो बर्बाद होते जा रहा है उसका सेहत. वो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको कम खाना देना. ठीक है, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ ही डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस. ऐसा लग रहा था कि वो जो है, जो उसकी मालकिन है, जरूर ऐसा करेगी. ठीक है, ऐसा सीन लग रहा था. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet, wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ठीक है, मैंने उसके प्रोग्रेस को देखा, मैं उसको देखते जा रहा था कि वो करती क्या है अपने कुत्ते के साथ, अच्छा व्यवहार करती है, अच्छे से खिलाती है या नहीं. ठीक है, वो उसको बार बार उसको बहुत सारा कोट जो है उसको छोटा पड़ जा रहा था, उसके बहुत सारा कोट उसको दी थी उसकी मालकिन. ठीक है, रेन कोट था वेट डेज के लिए, मतलब जो बारिश हो उसके लिए रेन कोट था. ठीक है, कोल्ड वेदर के लिए उसको अलग से कोट था. ठीक है, वहाँ ये सब पहनने में भी उसको बहुत ही स्ट्रगल महसूस हो रहा था. ठीक है, नहीं पहन पा रहा था क्योंकि वो मोटा से मोटा होते जा रहा था. ठीक है, और ये सब मैं देखते जा रहा था, मुझे पता था कि फंपरी जो उसकी जो मालकिन है वो जरूर ही जल्द ही कॉन्टेक्ट करने वाली है. The expected call came within a few days. और जैसा कि मैंने सोचा कि उसका कॉल आने वाला है, वो मुझे कॉन्टेक्ट करने वाली है, और वो कॉल आ भी गया कुछ ही दिनों में. मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट. ठीक है, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. ठीक है, अब कुछ ही दिनों में जो उसका मिसेस पंपरी का जो कॉल आया, वो बताती है फिर उसको, ठीक है, कि वो जो कुत्ता है उसका, वो उसका अच्छा अच्छा जो उसका फेवरेट है सर, वो भी नहीं खा रहा. ठीक है, और वो बहुत सारा वोमिटिंग कर रहा है, उल्टियां कर रहा है, और वो चुपचाप बैठे रहता है और बहुत दुखी रहता है. ठीक है, और डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो बाहर भी वॉक करने भी नहीं जाना चाहता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है. ठीक है, आई हैड मेड माय प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वे टू was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. हाँ, तो जो डॉक्टर है अब वो बोल रहा है कि मैंने ये पता है मुझे ये सब, मैंने पहले ही इसके लिए प्लान कर चुका है सिचुएशन के लिए. ठीक है, और इसको ऐसे इसको ठीक करने के लिए एक प्लान ये है कि इसको कुछ समय के लिए हाउस से, घर से दूर रखना होगा. और मैं सजेस्ट करता हूँ, उसका वेटरिनरी डॉक्टर बोलता है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए 15 दिनों के लिए. ठीक है, और मेरे ऑब्जर्वेशन में वो रहे. उसका कुत्ता है, मालकिन का कुत्ता है. ठीक है, कंपनी का. द पुअर लेडी, यहाँ देखिए, है ना, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड. शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. बहुत ही उसको दुख हुआ. ठीक है, वो सोच रहे मर जाएगी अगर उसे एक भी दिन भी नहीं देखी तो, इसको नहीं देखी तो कुत्ते को कौन मर जाएगी. अच्छा लग रहा था किसको, लग रहा था मिसेज पंपरी को. ठीक है, और कौन सजेस्ट किया कि इसको 15 दिनों के लिए अस्पताल में हॉस्पिटलाइज कराया जाए, वो जो उसका मेडिक्स था, जो वेटरिनेरियन था डॉक्टर, वो बोला. ठीक है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड
हो ही गया बट आई टूक अ फर्म लाइन इट वाज वेरी एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड सुनिए एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपिंग वेलिंग एंड मार्ग आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट. अब मैं तो उस बहुत स्ट्रिक्टली उसे बोला कि ऐसा करना ही पड़ेगा. मैं बहुत तैयारी के साथ आया था. मैंने उसे कुत्ते को लिया अपने गाड़ी की तरफ एक ब्लैंकेट में रैप करके उसको रैप मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको एक तरह से रैप किया. ठीक है जैसे मान लीजिए पॉलिथीन से आप उसको किसी चीज को जैसे इसको रैप करना है. ठीक है तो इसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना. ठीक है रैप करके एक तरह से ब्लैंकेट में और उस कुत्ते को अपने गाड़ी में लाकर बैठा दिया. द एंटायर स्टाफ वाज roused and mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, towels and rubber rings. Never hold all the stuff. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. ठीक है और सब लोग जैसे ही मैं उसे अपनी गाड़ी में डालने गया तो सारा जो स्टाफ है जो मेट्स हैं जो वहां नौकरानी थी वो तुरंत गई और उसका खिलौना वाला सब लाने की कोशिश कर रही थी देने की कोशिश कर रही थी लंच लाने की सुपर बॉल्स लाने की कोशिश कर रही थी. मैं जैसे ही मैंने ये रिलेस किया मैंने कार में बैठा मैंने ठीक है और मैंने वहां से तुरंत ही ड्राइव कर लिया अपने कार को वहां से भगा लिया. ठीक है और वो जो उसकी मालकिन थी वो रोने लगी बहुत जोर जोर से. ठीक है और बहुत दुखी हुई और कुछ कोर्ट्स को तो उन्होंने अपनी खिड़की से फेंक भी दिया. ये सब मैं अपने मिरर में देख रहा था. गाड़ी से उस कुत्ते को लेकर जा रहा था ना तो वो अपने मिरर से उस ये बात देख रहा था. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एंड गॉट बैक इन द ईयर. जैसे ही कोना कोना तक वो पीछे देख सकता था ना अपने मिरर से तो उसने ये सब देखा. उसके बाद वो आगे बढ़ गया और उस समय तक सब लोग बहुत दुखी थे सबके आंखों में आंसू थी. ठीक है out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you hadn't a tick in you but I think I know a cure for you. अब जब वो वहां से कॉर्नर से आगे बढ़ा तो वो कुत्ते को देखा छोटा सा कुत्ता उसके हेड पे उसने थपथपाया. ठीक है और ट्रिकी जो है बहुत मुश्किल से उसने अपने पूंछ को हिलाया पूंछ को हिलाया तो वो बोलता है पुअर ओल्ड लेड. उसने कहा बेचारा अब ये ठीक भी नहीं कर पा रहा. मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज क्या है. ठीक है ये देखिए रीड आउट एंड फाइंड आउट ये सब आप लोगों को इसका आंसर इसमें मिल ही जाएगा. मैं बताऊंगा अभी. एट द सर्जरी द हाउसफुल डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी. ठीक है ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. ठीक है? तो जैसे ही सर्जरी के लिए वहां लेके गया अपने हॉस्पिटल तो जहां कुत्ते जो थे ना उसके चारों तरफ घूमने लगे. ठीक है वो चुपचाप अपना बैठ गया डल आई के साथ. ठीक है और मोशन लेस मतलब कोई मोशन नहीं कर रहा है वो कोई हिल डुल नहीं रहा है. कुत्ते आए उसके चारों ओर घूमे उसको सूंघे. ठीक है और वो समझ है कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका वो कुत्ता जो है इंटरेस्टिंग नहीं ना खेलेगा ना कुछ करेगा तो क्यों दूसरा कुत्ता उसके साथ रहे. बस उसको छोड़ दिया इग्नोर करके वो और कुत्ते चले गए. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम. ठीक है आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. And the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. ठीक है? तो उसका मैंने उसके लिए बेड किया, एक लूज बॉक्स मैंने लिया, ठीक है? कुछ कपड़े डाले उसको सुला दिया वहीं पे. ठीक है? दो दिनों के लिए उसपे मैंने नजर रखा उस कुत्ते पे, उसको कोई खाना नहीं दिया और बहुत सारा पानी दिया, plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest. और जैसे ही सेकेंड डे जो है वो खत्म हुआ उसे सराउंडिंग्स में उसने बहुत इंटरेस्ट आने लगा और तीसरे दिन ही वो दूसरे कुत्तों के साथ विम्पर करने लगा आवाज आवाज निकालने लगा उनके साथ खेलने की कोशिश करने लगा. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड अवे एंड वाज इमीडिएटली इंगल्ड बाय जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद ए साउथ प्लस बैग. ठीक है तो अब क्या हुआ तीसरे दिन के बाद से जैसे ही दो उन्होंने खोला
वो ट्रिकी तुरंत ही दौड़ पड़ा, उसके दोस्तों के साथ उसने खेला, बहुत रोल किया, वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम से खेला ही नहीं, ठीक है, और अपने दोस्त कुत्तों के साथ पीछे पीछे निकल गया, ठीक है, अपने सरप्लस मतलब अधिक फैट जो उसके पास है उसके साथ, ठीक है, मतलब वो फैटी तो था ही, तो अपने दोस्तों के साथ वो खेलने निकल गया, ठीक है, 2 दिन तक खाना पीने, खाना नहीं दिया, पानी दिया सर, ठीक है। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड व्हाइल क्रिस्टन स्लॉट द फूड इनटू द बॉल्स, there was the usual headlong rush followed by the sort of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. ठीक है, और जब खाने का समय होता है खिलाने का, कुत्तों के खाने का और खिलाने का सब समय होता है कुत्तों को, तो उसका जो डॉक्टर था देखा उसको जब खाना मिला सबको, ठीक है, तो तुरंत सब लोग भागे भागे सारे कुत्ते आए और बहुत तेज गति में खाने की आवाज आने लगी, क्योंकि कुत्ते खाते तो आवाज तो आती ही है, और जल्दी जल्दी इसलिए उन्होंने रस किया भागे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हम लोग लेट करते हैं तो आखिरी में हम लोग कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कुछ ही खाना बचेगा और कुत्ते ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इसलिए सब लोग चाहते थे, सारे कुत्ते चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी खाना खा लेते, कि ये जो ये कुत्तों का उसका दोस्त है, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये जो मोटा सा है ये है उसका डॉग जिसको कि ये ठीक कर रहा है, कंपनी का डॉग है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way or towards him. ठीक है, अब वो पूरा कुत्ता जो है वो ट्रिकी जो है वो पूरा जो बर्तन में खाना है उसको खा गया और उसको चाटने लगा, ठीक है, अंदर से बाहर से, और नेक्स्ट दिन उसके नेक्स्ट जिस दिन ये सब हुआ, एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया, एक बॉल और उसे खाना दिया गया और वो बहुत ही एंजॉय करके खाया उस खाने को। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उस दिन से उसका जो स्थिति था, जो उसका तबीयत खराब था, वो ठीक होने लगा और जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ठीक है, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, और जो उसके दोस्त कुत्ते थे उनके साथ वो खेलने कूदने लगा, वो ठीक होने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्पल्ड ऑन एंड क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, वो खुश होने लगा, उसे मजा आने लगा जब उसके जो दोस्त थे उसको उल्टाते पलटाते, उसके ऊपर चढ़ते, उसको चिपका मतलब पूरा दबा देते, तो बड़ा मजा आने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिंपल लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैवी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ठीक है, वो बहुत ही खुश होने लगा और वो अलग और सब कुत्तों के गैंग में आ गया, ठीक है, उनके साथ रहने लगा, तो इसलिए उसके गैंग में भी आ गया, ठीक है, और वे कुत्ते ने एक मतलब बात की, जैसे अपने खाने के लिए जब मील टाइम होता था तो सारे कुत्ते टूट पड़ते थे ना, मैंने पहले ही बताया, तो अपने मील को खाने के लिए वो उन्हीं की तरह हो गया और बहुत एक बात की जैसा कंपटीशन देने लगा उनको, और रात में जाके रैट्स चूहों को वो खदेड़ता था, ठीक है, और वो इतना अच्छा टाइम कभी उसकी जिंदगी में वापस पहले कभी उसने नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसेस पंपली हॉवर्ड एनएसटीएसली इन द बैकग्राउंड ब्रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट ग्रीटिंग्स, आई डॉट्स द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कशंस वर बीइंग टर्नड रेगुलरली और हिज करेक्ट फूड वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वीनियंसली रैपिडली, ठीक है, तो कहने का मतलब कि मिसेस पंपरी जो है बहुत ही उत्सुक रहती थी, बहुत 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 तरह का क्वेश्चन उससे पूछती थी कि क्वेश्चन क्या सही है, उसको सही तरह का कोट वेदर के हिसाब से पहनाया गया कि नहीं गया, ये सब क्वेश्चन पूछती थी, तो वेटनरियन डॉक्टर ने उसे क्या आंसर दिया, उसने कहा कि वो जो आपका जो कुत्ता है वो आउट ऑफ डेंजर है, ठीक है, और वो जल्दी ही कंसीव कर रहा है, जल्दी ही वो ठीक होता जा रहा है, रैपिडली उसका जो ग्रोइंग हो रहा है उसका क्या चीज इलनेस उसको कम होता जा रहा है, वो जल्दी ही जल्दी रैपिडली अपना जो वेल स्टेट है वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड, माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast,
But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. I was to enlist Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion within when two glasses of wine before and after, before and several during the meal. ठीक है, अब क्या हुआ कि वो अंडे लाने लगी उसके लिए, ठीक है, ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, दो दो दर्जन एक एक बार मिला देती थी, ठीक है, तो वो जो है एक उस खुद के ब्रेकफास्ट में वो खा लेता था, ठीक है, और दारू भी पीता था, वो बोटल्स ऑफ वाइन मंगाता था, उसके साथ खाता था सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि ट्रिकी का जो ब्लड जो है ना उसको अच्छा करना है, उसको शुद्ध करना है, ठीक है। लंच के सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी'स कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट्स वर रोल्ड अराउंड इन हेड एंड डिफरेंटली ड्रंक। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting, awaiting collection. ठीक है, ये सब होता था, वो लोग बहुत मजे करते थे, वाइन चलता था, ये सब था, मगर वो चाहता था क्या, जो उसका वेटरिनरी डॉक्टर था, कि उसको परमानेंट अपना बना ले, अपना कुत्ता और परमानेंट गेस्ट बना ले। वो जानता था कि मिसेस पंपली उसकी जो मालकिन है वो बहुत ही दुखी है, और 15 दिन होने के बाद मैंने खुद उसको फेल्ट कंपेयर्ड टू फोन, उसको फोन किया और उसको कहा कि डॉग जो है वो रिकवर हो चुका है और आप उसको आके कलेक्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ क्लीन बैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। The chauffeur opened the door and I could just make out of the figure of Mrs. Pumphrey almost caught in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Hanyard, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. Ab wo aati hai, uski jo malkin hai. Theek hai? Aur uski malkin aati hai, usse poochti hai ki sach mein wo acha ho gaya hai? ठीक है, वो बोलता है आपको गाड़ी से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं रहिए, मैं आपको खुद ही लाके दे देता हूँ, ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ठीक है, मैं गया गार्डन में तो देखा बहुत सारे कुत्ते जो है बहुत दौड़ रहे हैं, ठीक है, और उनमें से बीच में जो है, ठीक है, एक कान जो है उसका वेट करता हुआ, कान को फ्लैट करते हुए, उसका टेल जो है वो हिलाते हुए, ठीक है, एक गोल्डन फिगर था, मतलब गोल्डन रंग का ट्रिकी था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। ठीक है, अब क्या है, अब जो वो कुत्ता था उसका मसल्स आ गया था, ठीक है, उसका अच्छे अच्छे पैक्स आ रहे थे, ठीक है, उसका चेस्ट जो है बहुत अच्छा ग्राउंड तक टच करने लग गया था, है ना। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपली लैप। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. जैसे ही उसको देखा कुत्ते ने, वो अपनी मालकिन को तुरंत ही दौड़ के गया, छलांग मार दिया, उसके लैप में आकर बैठ गया, ठीक है। जैसे ही वो बोलती है ओह, उसको बहुत प्यार आ रहा था उस अपने कुत्ते पे, वो खुद ही उसका चेहरा चाटने लगा, मोरने लगा प्यार से। During the excitement, I helped the shopper to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls. None of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harrier, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. ठीक है, वो बहुत ही excited थी,
ठीक है, और उसको मैंने सारा कुछ बेड चॉइस कुशन जो भी बोर्ड बॉल्स जो भी था जिसको कि मैंने उसको यूज नहीं किया था उस कुत्ते के लिए, वो लाके उसे दे दिया। एज अ कार मूव अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी, बबरी जो है वो बाहर आई, अपने विंडो से देख रही थी, उसका जो आंसू है वो उसके आंखों से निकल रहे थे, उसका जो लिप्स है वो बहुत ही थरथरा रहा था, वो मिस्टर हैरियट, वो कह रही थी, वो रो रही थी, वो मिस्टर हैरियट मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, इसलिए प्राइम पर्सन सच में ही सर्जरी की जीत है। ठीक है, तो इस कहानी के जो नरेटर है उनका नाम क्या है, जेम्स हैरियट है। ये पहला चैप्टर आपका ट्रैम्प ऑफ सर्जरी यही खत्म हुआ। ये सब जो वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स हैं आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैंने आपको उसका मीनिंग बताते चला गया। और अभी जाकर उसका वर्ड मीनिंग जो भी है ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसे जरूर याद कीजिए और अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर बनाइए, हमें भेजिए, हम देखेंगे कि आप लोग कितना सीखे हैं और इससे भी ज्यादा कि क्या आप लोग नहीं सीख पाए जो कि आपको नेक्स्ट बताना है। और ये नेक्स्ट जो चैप्टर है द थिप्स स्टोरी, ये अगली बार आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, पहला चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। जी धन्यवाद।